हेलो एवरीवन, तो ये मेरा न्यू स्पेक्स नहीं है और ना ही ये ज़ीरो पावर है, लाइक देयर इज़ नो पावर। मैं जस्ट इसको पहनती हूँ जब मैं ड्राइव करती हूँ ना, तो बहुत डस्ट जाता है इसमें, तो दैट इज़ व्हाई आई वेयर इट। और या फिर कहीं मैं स्कूटी से जा रही हूँ घूमने एंड मेरे हस्बैंड चला रहे हैं, तो फिर भी मेरे आईज में बहुत डस्ट जाता है। आई डोंट नो हाउ डू पीपल ड्राइव विदाउट यू नो हेलमेट, विदाउट द वाइजर, विदाउट प्रोटेक्टिंग देयर आईज, आई जस्ट कांट ड्राइव। तो इसलिए मैंने एक जीरो पावर ऐसा स्पेक्स लिया है टाइटन से। एंड सो आज का हमारा प्लान है कि हम जा रहे हैं आसपास जितने भी यू नो गणपति के पंडाल है ना, वो गणपति दर्शन करने हम जा रहे हैं शिवांश के साथ। एंड दिस इज माई न्यू लुक, कैसा लगा आपको? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। चलिए आपको सो गाइज, दिस वॉज आवर फर्स्ट स्टॉप। ये मांजरपुर में हमारा फर्स्ट स्टॉप था, फर्स्ट पंडाल जहाँ हमने दर्शन की। ये है सूसन वर्डसर रोड मांजरपुर, और ये मूर्ति भी काफ़ी सुंदर थी। और ये सूसन वर्डसर रोड में जो गीर गंगा रेस्टोरेंट है ना, उसके जस्ट ऑपोजिट वाले लाइन पर है ये रहा। हम गीर गंगा क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से, और इतनी रात को भी रोड में काफ़ी चहल पहल थी, बहुत ही क्राउडेड था, बहुत अच्छा लग रहा था। इट वॉज जस्ट गिविंग अ फेस्टिव वाइब, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और ऐसे लाइटें वगैरह लगी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। इट वॉज सो डेकोरेटिव, सो कलरफुल, सो वाइब्रेंट, एकदम फेस्टिव मूड पे हम आ गए थे। एंड काफ़ी दिनों बाद हम तीनों एक साथ स्कूटी में निकले हैं, एंड बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे ओपन एयर में। यूजुअली हम स्कूटी में जल्दी नहीं निकलते, बट सिंस इट्स वेरी क्राउडेड तो हम स्कूटी पे निकले, क्योंकि कार क्राउड प्लेस में चलाना बहुत मुश्किल लगता है इसलिए। गाइस, ये है हम मांजरपुर में, दिस इज आवर फोर्थ स्टॉप। और ये बलून्स ये बेच रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। सी द डेकोरेशन, सो फ्रेंड्स, इस पंडाल में हमने दूर से ही दर्शन किया बिकॉज काफ़ी लंबी लाइन थी और हम नहीं जा पाए, इसलिए हमने दूर से ही गणपति जी की दर्शन की। देन इसी एरिया में जहाँ ये मांजरपुरना राजा है, उसके जस्ट ऑपोजिट वाले यू नो एरिया में ऐसे छोटा सा मेला जैसा लगा हुआ था, तो शिवांश को हमने
यू नो कई सारे झूलों में ऐसा बैठाया, वो काफ़ी इन्जॉय कर रहा था और उसे देखकर हमें अपनी चाइल्डहुड डेज याद आ गए कि ऐसे हम अपने पापा मम्मी के साथ जाया करते थे। हमारे होम टाउन में तो बहुत ही बड़ा सा गणेश पूजा मेला लगता है, आज भी लगता है, एंड बस शिवांश को देखकर हम वी रीलिव्ड आवर चाइल्डहुड, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो मैं ऐसे एक बार कैमरे को घुमा देती हूँ सो दैट यू गेट एन आइडिया ऑफ द लोकेशन। जस्ट दिस फेयर, दिस मेला इज जस्ट ऑपोजिट टू मांजलपुरना राजा, जहाँ पर है ना मांजलपुर में, जस्ट उसके ऑपोजिट में है ये मेला। और यहाँ शिवांश की सवारी निकल पड़ी। मेरे पास आता कौन सा वो जो कहीं था फिर से। और इसी लोकेशन में थोड़ा आगे चलकर और एक पंडाल था, यहाँ बहुत ये मूर्ति भी बहुत सुंदर था, मुझे बहुत पसंद आई ये मूर्ति। एंड लोग ऐसे क्यू बनाकर खड़े थे, सिस्टम भी काफ़ी अच्छा था, लाइन बाय लाइन हमें जाना था एंड वहाँ हम आरती ले सकते हैं, फिर प्रसाद भी वो दे रहे थे, बहुत ही अच्छा था सिस्टम। यहाँ की मूर्ति भी मैं क्लोजअप में दिखाऊंगी आपको, आप ज़रूर देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये रहा, इतना खूबसूरत है ना, बहुत ही अच्छा है। आरती दे दो। और फाइनली वहाँ से भोग प्रसाद लेकर, आरती लेकर हम वहाँ से निकल गए और पास में ही एक बहुत ही सुंदर सा ऐसे इयररिंग्स सेल हो रहा था। मैंने बहुत सारे इयररिंग्स देखे एंड बहुत अच्छे अच्छे इयररिंग्स थे, काफ़ी नॉमिनल रेट था। जो बड़े इयररिंग्स थे ना उसका 40 रुपीज़ था और जो छोटे छोटे वाले थे उसका था 20 रुपीज़। और काफ़ी खोज कर अच्छे से पसंद करके मैंने ये इयररिंग्स खरीदा, इट जस्ट कॉस्टेड मी 40 रुपीज़। ज्वेलरीज, ब्यूटीफुल ज्वेलरीज। फिर फाइनली हम मेला घूम कर किसी तरह गाइज रोड क्रॉस करके हम अपनी पार्किंग एरिया पर आए जहाँ हमने स्कूटी पार्क की थी। लाइक इट वॉज लिटरली मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी, लोग भी चल रहे हैं, गाड़ियाँ भी थी, इतना भीड़ था यार, बहुत भीड़ था, मतलब क्या ही बताऊं। और यहाँ शिवांश जा रहा है वो कलरफुल लाइट वाला जो बलून है ना उसको लेने, एंड ये हम अंदर नहीं जा पाए यहाँ पर इस पंडाल में बिकॉज काफ़ी लंबी लाइन है यहाँ पर और यूजुअली ऐसे भीड़ भाड़ जगह में ना जाना थोड़ा हम अवॉइड करते हैं, तो हमने बाहर से ही दर्शन कर ली। और शिवांश, मैं बस यहाँ वेट कर रही हूँ स्कूटी के पास, अपने स्कूटी के पास। शिवांश अपने गया है अपने पापा के साथ बलून्स लेने। सो फ्रेंड्स, ऐसे कोई भी फेस्टिवल जब आता है बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी चहल पहल हो जाती है। मैं ऐसे आपको दिखाती हूँ, पुलिस वगैरह सिक्योरिटी बहुत टाइट है, अच्छी सिक्योरिटी है, पुलिस वगैरह सब है और
शिवांश ने खूब इंजॉय किया, हमने भी खूब इंजॉय किया, काफ़ी सारे मूर्तियाँ देखी हमने, पर भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण हम एक दो पंडाल के अंदर नहीं जा पाए, जैसे मांजलपुर ना राजा हम नहीं जा पाए क्योंकि बहुत भीड़ थी वहाँ पर, दूर से ही हमने दर्शन कर लिया। और यहाँ शिवांश आ गया है बलून लेकर, मिल गया बलून, मजा आया। पता नहीं मेरे को, तुम अब इसको लेके आगे कैसे बैठ पाए, फट जाए। फिर काफ़ी सारी मूर्तियाँ देखकर, मेला एंजॉय करके फिर हम घर के लिए निकल गए। और शिवांश का बलून, मैंने उसने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए थे कि मुझे बलून कैसे पकड़ना है। तो हम आ गए घर, लाइट बलून आपको छोटा सा। अच्छा रुको, मुझे अपना हेयर रिंग्स लेना है स्पीकर से। दिखा, वाओ लाइट बलून, वेरी नाइस। वी आर वेटिंग फॉर द लिफ्ट, ओके बाय बाय। तो आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई जस्ट होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, एंड यस थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।